और चलिए अब हम आपको फिरोजाबाद की हकीकत को दिखाते हैं कि क्षेत्र के विधायक इस महामारी में आम जनता के लिए किस तरह मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया फिरोजाबाद के सदर सीट से बीजेपी विधायक मनीष असीजा का रियलिटी चेक कुछ करना, और इस दौरान विधायक जी ने बताया कि वो हर समय हर परेशानी संकट में जनता के बीच मौजूद रहे, लोगों की मदद की है और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। न्यूज वन इंडिया के खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ हैं मैं आज हम पहुँचे हैं फिरोजाबाद से सदर विधायक मनीष असीजा के आवास पर। मेरे पीछे आप देखेंगे असीजा जी का ये घर है और इसका हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, अंदर विधायक जी है या नहीं इसकी जानकारी लेंगे। मनीष असीजा जी का आवास है नगर विधायक का, विधायक जी है क्या घर पे? हाँ है घर पे। तो विधायक जी से हमें बात करनी है, एक रियलिटी चेक करना है, न्यूज़ वन इंडिया का एक खास कार्यक्रम चल रहा है, नेताजी कहाँ हैं जरा मेरी मुलाकात करिए, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो देखिए ये हम अंदर आ गए हैं विधायक जी के आवास पर और अंदर चल रहे हैं, विधायक जी कहाँ हैं इसकी जानकारी करते हैं और न्यूज़ वन इंडिया के जो कार्यक्रम की थीम है उस पर सच्चाई जानेंगे कि आखिर नगर विधायक ने क्या किया इस कोरोना के संकट काल में। हम अंदर चल रहे हैं विधायक जी के आवास में और विधायक जी इस समय घर पर मौजूद हैं, जानकारी करेंगे कि संकट भरे दौर में किस तरह जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच रहे। और नगर विधायक देखिए सामने बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे, ये फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा जी हैं। विधायक जी आपका बहुत स्वागत है, हमारा न्यूज वन इंडिया का एक खास कार्यक्रम चल रहा है, नेताजी कहाँ हैं। मैं विधायक जी ये जानना चाहूँगा इस संकट के दौर में कोरोना महा प्रकोप रहा है, ऐसे में जनता के बीच आप कैसे रहे, पहली लहर हो या दूसरी? जनता के बीच में हमने पूरा प्रयास किया कि हम लगातार रहें और उनकी समस्याओं को सुने। नहीं इसमें तो मैं, मेरा एक नंबर है 9837035102, ये पिछले 23-24 सालों से मेरे पास है और इसी नंबर को मैं अपने पास रखता हूँ, मेरा कोई सहयोगी नहीं रखता फ़ोन को, और ये शहर में लगभग सबको पता है और मैं फिजिकली भी और टेलीफोनिकली भी लगभग जब भी कोई समय रहा हूँ मैं अवेलेबल रहा हूँ, ऐसा मुझे तो लगता है। विधायक जी इस महामारी में जब स्वास्थ्य सेवाएं चौपट रही उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जगह, तो फिरोजाबाद में भी बेड की किल्लत रही, कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि तोड़फोड़ अस्पतालों में हुई, ऐसे दौर में जनता की आपने कैसे मदद की, जनता के बीच कैसे पहुंचे, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, रेमडेसिविर की भारी किल्लत थी, ऐसे में आपने किस तरह जनता का सहयोग किया? देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात काम करके हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसी उदाहरण को हमने भी समझा और उस पर चलने का प्रयास किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हुए बहुत संतोष का अनुभव करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के दूसरे कालखंड में फिरोजाबाद जनपद ने ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर, फेबीफ्लू या टॉक्सी जो अति उच्च परिस्थितियों में लगने वाले इंजेक्शन्स हैं, किसी चीज़ के लिए किसी को भी किसी भी दिन मना नहीं किया। तो ये थे नगर विधायक मनीष असीजा, साफ तौर पे कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर जब व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी उसके बावजूद भी फिरोजाबाद में कोई कमी नहीं रही है। सहयोगी रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज वन इंडिया। और बीजेपी विधायक मनीष असीजा के दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से खास बातचीत की है, तो जनता ने भी विधायक के कार्य की प्रशंसा की और कहा सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं आम दिनों में भी विधायक असीजा जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करते रहे हैं। फिरोजाबाद विधायक का रियलिटी चेक आपने देखा, दावे आपने फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा के सुने, अब जनता के पास चलते हैं, जनता क्या कहती है, उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल करते हैं सीधे तौर पे। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी कोरोना का महासंकट रहा, स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही, नगर विधायक मनीष असीजा क्या जनता के बीच इस समस्या के दौर में रहे? देखिए साहब मैं समझता हूँ ये हमारे फिरोजाबाद की जनता का सौभाग्य है कि उन्होंने जितने प्रयास फिरोजाबाद की जनता के लिए किए
कोविड के दौरान वो बिल्कुल सराहनीय है साहब। उन्होंने इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के लिए पूरा प्रयास किया, वो लग कर तैयार भी हो गया। 100 सैया को उन्होंने डबल करके 2 सैया का हॉस्पिटल तैयार करा दिया। और में कोरोना के दौर में विधायक मौजूद रहे? हाँ, मौजूद रहे सबके साथ जी। कैसे उन्होंने सारा काम किया, जैसे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगवाया उन्होंने, और सब 100 सैया में अभी बच्चों के लिए वो करा रहे हैं। विमल जी, नगर विधायक जनता के बीच संकट के समय में मौजूद रहे कोरोना काल के समय? मेरे ख्याल से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितनी मेहनत विधायक मनीष असिया ने की है, मेरे ख्याल से एक अद्भुत उदाहरण है। इतना प्रयास किसी ने नहीं किया। हर संकट घड़ी में, जब कोरोना पीक पे था, पर डे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने में विशेष प्रयास विधायक मनीष असिया का विशेष प्रयास। देखिए तो ये जनता है, अपनी राय दे रही है लगातार। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीके गुप्ता। गुप्ता जी, मनीष असिया सदर विधायक हैं फिरोजाबाद सीट से। इस कोरोना के समय बड़ा संकट रहा, लोग स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल थी, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, ऐसे दौर में क्या विधायक मौजूद रहे समस्या के दौर में? विधायक जी पूरी तरह से तत्परता से पूरी तरह से मौजूद रहे। जहाँ तक मेरा संज्ञान है कि वो आधी रात को, जैसे उनके पास खबर पहुँची है, तो आधी रात को भी वो हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और सुचारू रूप से जो व्यवस्था रात को गड़बड़ाई है उसको भी व्यवस्थित किया है। ये कोरोना काल में नहीं, वो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, और जो उन्होंने फिरोजाबाद को दिया है अभी तक कोई दे नहीं सकता, अभी तक कोई MLA दे नहीं पाया। और मैं ये समझता हूँ कि फिरोजाबाद की जनता के लिए कोरोना काल में तो उन्होंने हर वक्त साथ यही दिया है। दी खरे उतरे हैं फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असिया, ऐसा जनता का कहना है। इस रियलिटी चेक में इतना ही। सहयोगी रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, News1 India। और जनता की राय जानने के बाद News1 India के रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक मनीष असिया पास हुए हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें वो पास हुए हैं, क्योंकि जब रियलिटी चेक किया, उन्होंने दावे किए, वादे किए, जो बताया कि उन्होंने किस तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद की, और वहीं लोगों से जब हमने क्रॉस चेक किया तो वो उस पर मोहर लगती दिखाई दे रही है।